तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? भाई आप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, ये है मंदिर का से पहले का नज़ारा जिसमें पियर पाइलिंग कर दी जा चुकी है। और देखो फाउंडेशन बना के पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा और इधर देख सकते हो पिलर के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है दोस्तों। इस पर पिलर बना के पियर कैप बना के और इसमें आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च भी कर दिया है इन्होंने। अब इस पर फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। ये तो है आपको बता दूं कि दिल्ली साइड का, और इधर है ये मुंद्रिका होते हुए इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए ये निकलेंगे जाके हम कहाँ द्वारिका में दोस्तों। तो बहुत ही नज़ारा अच्छा है, क्या क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के बीच में एक से एक अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलता रहे मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर पियर पाइलिंग करने के बाद में फिर इस पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से काम को करते हैं दोस्तों, देख सकते हो। और ये UR2 बनाया जा रहा है दोस्तों, यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड। देखो ये आ चुका है मुंद्रिका मेट्रो स्टेशन ग्रीन लाइन दोस्तों, और इसको ये अर्बन एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी ऊंचा होने वाला है। और ये देख सकते हो मुंद्रिका इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है कृष्णा कॉन्स्टिलेशन प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये बोर्ड भी लग रहे हैं उसी कृष्णा कॉन्स्टिलेशन के दोस्तों, जो कंपनी है वो वर्क कर रही है यहाँ पर पैकेज 2 पे मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जैसे ही ये बोर्ड हट जाएंगे वैसे ही आप लोगों को फ्लाईओवर का काम नज़र आएगा देखने के लिए दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो ये पियर हैं, देखो आप लोग ये पियर है क्योंकि ये मुंद्रिका मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करेगा UR2 दोस्तों। और आपको बता दो ये 10 लेन की रोड होने वाली है, जिसमें से इसमें 6 लेन तो एक्सिस कंट्रोल्ड होने वाली है और 4 लेन दोस्तों लोकल ट्रैफिक के लिए होने वाली है। तो 10 लेन का ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है दोस्तों, एक्सप्रेस वे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि जयपुर रोड को और ये चंडीगढ़ रोड को आपस में कनेक्ट करेगा एक दूसरे से दोस्तों, यानी कि ये अलीपुर के NH 44 से स्टार्ट होता है दोस्तों और ये NH 48 में जाके ख़त्म होगी, जो कि गुड़गांव के गुरुग्राम में जाके ख़त्म होगी दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम क्या खिड़की दौला टोल प्लाजा, वहाँ पर जाके ये निकलेगा दोस्तों। उसमें से द्वारका एक्सप्रेस भी बना रहे हैं जो कि 29 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों, और ये द्वारका जाके ख़त्म हो जाएगा और फिर द्वारका से दूसरा स्टार्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेस वे के नाम से, और ये UR2 के नाम से दोस्तों, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। और इसमें जो लागत है वो है 8000 करोड़ की लागत से दोस्तों, 4000 करोड़ की फंडिंग है यानी कि PWD को, और 4000 रुपये की लागत से इसको एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, और जो इसकी देखभाल है इसको NHAI द्वारा बनवाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आगे आगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि टोल प्लाजा यहां पर बनाया जा रहा है, और इस 75 किलोमीटर के रूट में दोस्तों 2 टोल प्लाजा देखने के लिए मिलेंगे आप सभी को। एक टोल प्लाजा तो ये है और एक टोल प्लाजा कहां पर है वो भी आप लोगों को अगले वीडियोज़ में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और आपको बता दूँ कि जो इसका कृष्णा कॉन्स्टिलेशन का जो मटेरियल यार्ड है दोस्तों वो यहीं पर है, इसी के बगल में देख सकते हो। ये यहाँ पर कंक्रीट की सड़क बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर टोल प्लाजा है, इसलिए कंक्रीट का रोड बनाए रहे हैं। देखो मशीनें भी आप लोगों को हर तरीके की भारी भरकम देखने के लिए मिलेंगी, और जो आई गटर्स हैं वो भी आप लोगों को इसी जगह पर देखने के लिए मिलेंगे, यहीं से आई गटर
उठा उठा के ट्रकों में ले जाते हैं, उस साइड में मुंद्रका की साइड में मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो। सारे में ही आप लोगों को आई गटर्स ही गटर्स देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर क्रेन मशीन्स भी देखने के लिए मिलेंगी। जो कंस्ट्रक्शन यार्ड है दोस्तों इस कृष्णा कॉन्टिलेशन कंपनी का, वो आप लोगों को आगे देखने के, देखो ये ट्रक में ये जा रहा है ना गाटर किस तरीके से ले जाते हैं, तो वो यहीं से जा रहे हैं दोस्तों और यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली और हरियाणा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है कि जो चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत और अम्बाला जो गुरुग्राम से जाने वाले हैं उन्हें दिल्ली से दिल्ली में अब जाम में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में इसी रूट को फॉलो करना दोस्तों और आप सीधे चंडीगढ़ के लिए जा सकते हैं या चंडीगढ़ से अम्बाला से जो लोग आ रहे हैं वो जयपुर के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही सुविधा मिलने वाली है उन लोगों के लिए, बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, जो कि ये सन 2023 के दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो डेडलाइन है वो सन 2023 के दिसंबर की लास्ट डेट है दोस्तों, और जब तक ये बनकर कंप्लीट होता हो पाता है या नहीं हो पाता है आप लोगों को केपी संत के चैनल पर अपडेट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम ये कहाँ ये बीच में बनाया जा रहा है, उसके बाद में सर्विस लाइन दी जाएगी यानी कि 3 लाइन इस साइड, यानी कि माने तो 5 लाइन इस साइड में है और 5 लाइन उस साइड में है, तो 6 लेन का तो ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस वे 6 लेन का दोस्तों और 4 लेन का इसमें लोकल ट्रैफिक के लिए यानी कि सर्विस लेन दी जानी है मेरी प्यारे दोस्तों। देखो ये ड्रेनेज बना रहे हैं और ड्रेनेज के बाद में उधर भी बनाएंगे, तो देख सकते हैं इस पर कॉन्क्रीट की ये लेयर डाल दी है, अब इस पर DBM की लेयर की जाएगी, इस पर यानी कि ब्लैक टॉप किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो। अब ये जो टोल प्लाजा का पार्ट था वो तो दोस्तों पीछे निकल चुका है, अब यहाँ से ये कृष्णा कॉन्टिलेशन की जो कंपनी है दोस्तों उसका जो मटेरियल यार्ड है वो देखो दोस्तों यहाँ पर है, ये सामने चमक रहा है आप लोग, काफ़ी लंबा चौड़ा है और ये रोड के बीच में ही है दोस्तों, जिसका कंस्ट्रक्शन यार्ड है दोस्तों यहीं पर आई गटर्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों इसी जगह पर देख सकते हो। और ये क्रेन मशीन है जो कि ट्रक में लोड करती है आई गटर्स को, देखो आई गटर का ये देखो ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, अब इसमें इसका वो लगाएंगे क्या सेटिंग लगा कर और इसमें कंक्रीट भर दी जाएगी और ये बनके कंप्लीट हो जाएगा आई गटर दोस्तों। देखो दोनों साइडों में ही अभी काम चल रहा है तेज़ी के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए और दिखाया जाए केपी संत के चैनल पर पहली बार UR2 की अपडेट देखने के लिए मिल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों ने इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सुझाव हो तो नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो ये देखो स्ट्रक्चर सरियाओं का जाल बना रहे हैं यानी कि आई गटर का, और इसमें फिर क्या लगाया जाएगा इसमें सेटिंग लगा के बाहर इनकी और फिर इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो देखो ये है इनका कंस्ट्रक्शन यार्ड जो कि कृष्णा कॉन्टिलेशन जो कंपनी है दोस्तों उसका यार्ड है यहाँ पे देखो, और ये जो पैकेज है वो सेकंड पैकेज है दोस्तों, और अगले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इस हाईवे को बनाया गया है जो कि द्वारका तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखो दोस्तों नजफगढ़ रोड से लेकर और द्वारका तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया बनके, तो उस पर आप लोगों को ड्राइव करके भी दिखाएंगे और बताएंगे ये आप सभी को दोस्तों। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखो फिर आने वाले वीडियोस को आगे देखने के लिए मिलेगा आप सभी को, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बता ही सकते हो केपी संत के चैनल पर दोस्तों ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे। देखो ये मटेरियल यार्ड और कंस्ट्रक्शन यार्ड ये दोनों हैं इस कृष्णा कॉन्सिलेशन कंपनी के दोस्तों, देख लो आप लोगों को जिधर आप नज़र उठाकर देखोगे दोस्तों आप लोगों को आई गटर्स की ही रिपेयरिंग बनते हुए दिखाई देंगे इस
कंस्ट्रक्शन यार्ड में दोस्तों, यानी कि मटेरियल यार्ड में। देखो ये यहाँ पर ये मटेरियल यार्ड है, यहाँ पर ये मिक्सचर करके और फिर इसमें जो आई गटर बनाए जाते हैं, जो गाटर बनाए जा रहे हैं, उनमें यहीं से ये कंक्रीट भरा जाता है इन्हीं ट्रकों में और फिर वहाँ जाकर उसमें भर दिया जाता है, जो बन के कम्प्लीट हो जाता है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा है, जितने भी ये UR2 के स्ट्रक्चर थे, फ्लाई ओवर थे, वो सारे बन के कम्प्लीट हो गए हैं। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो ये अंडरपास है और ये बड़ा वाला है, यानी कि स्मॉल अंडरपास है ये वो, तो यही बनाए जा रहे हैं ROV। देख सकते हो तस्वीरें दोस्तों, ये देखो किस तरीके से यहाँ पर जो कंपनी वर्क कर रही है, जो आई गटर्स को बना रही है, वो आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये आई गटर को बनाया गया है, देखो इसकी सेटिंग लगी हुई है बाहर, इसमें कंक्रीट भर दिया है और ये बनके कंप्लीट हो गया। इसकी सेटिंग निकाली जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम भी पहले ही बना लिया था, अब इसमें बस ब्लैक टॉप होना बाकी रह गया। कंक्रीट की लेयर तो इन्होंने डाल दी है और इधर ये मेरे राइट हैंड पर ये फ्लाई ओवर का पार्ट है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देखो, है ना नज़ारा, देखो जिधर आप लोग नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आप लोगों को इस UR2 पे कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। 75 किलोमीटर लॉन्ग इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, ये गुरुग्राम के खिड़की दौला से स्टार्ट होता है दोस्तों और ये NH 44 पर जाएगा, यानी कि अलीपुर नरेला रोड पर ये जाके समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। NH 44 पर ये ख़त्म हो जाता है, जहाँ से अलीपुर स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो वहीं पर ये ख़त्म एंड हो जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देखो, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये वीडियो में कंस्ट्रक्शन दिखाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। देख सकते हो RE पैनल्स को लगाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी डाली जाती है, देखो ये सारे पियर कैप बन के पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन पर आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च किया जाएगा, फिर इन पर फ्लोर वर्क किया जाएगा, उसके बाद में दोस्तों इसमें RE पैनल्स लगाए जाएंगे साइड में, उसके बाद में अर्थ वर्क यानी कि मिट्टी डाली जाएगी, तब इसको ऊँचा किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने बहुत वीडियोज़ में दिखाया है आप सभी को दोस्तों, जिधर मैंने बोला था ना कि जिधर आप नज़र उठाकर देखोगे आप लोगों को देखने के लिए, ये छोटी सी कैनाल है दोस्तों, कैनाल के ऊपर देखो ये भी ROV बन चुका है, तो इस पर भी अभी क्या फ्लाईओवर बनाया जाएगा, यानी कि ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, इनमें RE पैनल्स को लगाने के बाद में फिर इस पर मिट्टी डाल के ऊँचा उठाया जाएगा, तो अभी देखो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बरसात का रीजन रेनी सीजन चल रहा था, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत स्लो चल रहा था दोस्तों UR2 पे, और अब देखो रेनी सीजन ख़त्म हो चुका है, तो अब इस पर बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, अंडर पासिस हैं, उनको सबको तेज़ी के साथ में अब बनाने का काम किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके हमें बताना, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करके बताना दोस्तों, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे से जहाँ पर भी जो भी गलती हुई हो आप नीचे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं पढ़ आप लोगों के बीच में इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एंजॉय करो, देखो किस तरीके से ये फ्लाई ओवर्स अंडर पासेस जो बनाए जा रहे हैं, ताकि आम पब्लिक को इधर से उधर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके दोस्तों। देखो इधर से उधर जाने के लिए फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों, अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं इधर से उधर जाने के लिए। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है कृष्णा कॉन्टिलेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस फ्लाईओवर को, इस रूट को बनाया जा रहा है Package 2 को दोस्तों। देखो आप लोग, तो आप लोग एंजॉय करना इस वीडियो को, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गाइस मिलते हैं किसी